होस्ट इंग्लैंड ने ठोक दिए हैं आज 386 रन बांग्लादेश के खिलाफ। ओपनर जेसन राय ने मारे 153 रन, मैन ऑफ द मैच बने। इन रिस्पांस बांग्लादेश 280 पे लिबड़ गए, 48.5 ओवरों में 106 रन से हार गए मैच। शाकिब अल हसन ने 121 रन बनाए, तो भैया बाकी 10 ने क्या किया? ठेंगा ठेंगा ठेंगा। इसीलिए कहते हैं एक आदमी नहीं मैच रचता, मैच रचती है पूरी टीम, जो आज इंग्लैंड ने करके दिखाया अपनी ही सरजमी पर। हॉट फेवरेट हैं सेमीफाइनल तक पहुंचने के लिए। अपना पहला 50 ओवर वर्ल्ड कप जीतेंगे या नहीं, ये तो वक्त बताएगा। अभी वक्त है बात करने का, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया कल का मैच कौन जीतेगा बता दूं? अबे सालों, सब कुछ मैं ही बताऊंगा तो तुम क्या करोगे? आईसीसी वालों ने चने बेचने के लिए कप रखा है, इंतज़ार करो, कुछ ही घंटों में मैच शुरू होने वाला है। हिटमैन आ रहा है, किंग कोहली आ रहा है, धोनी भी आ रहा है, आर्मी वाले दस्ताने नहीं होंगे उसके हाथों में। आईसीसी नहीं माना बात, नहीं रखी हिंदुस्तान की सेना की साख। कल आऊँगा इसी मैच के रिव्यू के साथ, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। अभी तक सिर्फ इंडिया है जिसने एक ही मैच खेला है, लैग बिहाइंड है, बट जीत की लड़ी लगा के सातवीं पोजीशन से कब पहली पे पहुंच जाएगी पता नहीं लगेगा। अभी तो पहली पोजीशन पे कब्जा है न्यूजीलैंड का, दूसरी पे इंग्लैंड, फिर ऑस्ट्रेलिया। बांग्लादेश इस हार के बाद आ गया 8वें नंबर पे। आ रहा है ना मज़ा, ब्रांड के रिव्यू के बिना तो ज़िंदगी है सज़ा। दुआओं में याद रखना।